हाँ अरे यार चला लग जाए, सब सही हो जाए, तबीयत सही रही तो सब हो जाए, सबसे बड़ी चीज है। हाँ उलाटो उलाटो उसको, उलाट दो उलाट दो, पलटी मारो उसको, हाथ से मारना पलटी। हाँ हाँ से मार। अब रोटी रख के तो यहाँ पे शमशान घाट के पास जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ देवी माई का स्थान इसको बोलते हैं, यहाँ घाट है और यहाँ पे देखिए आके बैठी हैं, कुछ टाइम पास कर रही हैं। और क्या कहना चाहती हैं? मन बहुत उदास गया, कहाँ है उदास इस माता रानी का स्थान पे आई हूँ। क्या करने के लिए? हमारे छत तो कब लगी यार, हमारे छत तो कब लग। अरे यार चला लग जाए, सब सही हो जाए, तबीयत सही रही तो सब हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। हम लोगों का तबीयत नहीं सही होता है, हरदम इनका तबीयत ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं, सारा काम धाम कब का कब कब रुक जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए देवी माँ का स्थान है, यहाँ पे आवाज़ से दरवाज़ा बंद हो गया है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा घर दिख रहा है वहाँ पे, जो केवल मतलब अभी घर दिख रहा है, अभी छत नहीं लगा है। और देखिए आप लोग वहाँ से बहुत क्लीन दिख रहा होगा, देखिए एकदम, देखिए नज़दीक कर दिए, ये देखिए एकदम नज़दीक कर दिए दोस्तों, यही हमारा घर है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ, जो यही घाट है इधर पर। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे डर नहीं लगता? मेरे गांव के वहाँ से चौराहे पर के भी लोग बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे डर नहीं लगता, तो हमें डर नहीं लगता। डर तो देखिए हर जगह लगता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत सुनसान रास्ता रहता है, देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, उधर भी देखिए चारों तरफ जंगल है दोस्तों, उधर भी देखिए जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है इधर, और सब इधर चारों तरफ जंगल है दोस्तों, इधर दूर दूर तक कोई घर नहीं है और जंगल ही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चारों तरफ जंगल जंगल है, चारों तरफ उधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है दोस्तों, और सब जंगल ही जंगल है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है एकांत है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए आई हैं का जी, फालतू फालतू का चीज़ें, बैठ के यहाँ पे उदास मत हो, सब चीज़ें सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना, किसी भी बात में उदास मत हो, कि रो मत यार, जब रोने लगते हो तो अच्छा नहीं लगता है। अन्ना खासा अच्छा खासा मौज मस्ती दिन हम लोगों का कट रहा था, और यहाँ पे बैठ के उदास हो जा रही हो, माता रानी की कृपा रहेगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुमको रोते हुए अच्छा नहीं लगता है, तुम मेरी शेरनी हो और शेरनी की तरह रहो, तुम्हें हंसते हुए देखते हैं, दहाड़ते हुए मुझे अच्छा लगता है और पूरे पब्लिक को अच्छा लगता है, जब तुम दहाड़ती हो तो पूरी पब्लिक खुश रहती है, बस सब चाहती है कि आप हंसते रहो और दहाड़ते रहो। शेरनी रोती नहीं है, हंसते हुए अच्छी लगती है, कुछ बोल दीजिए आप पब्लिक को, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रॉकी भी आया है खेलने के लिए, रॉकी आ जा, तुम भी कुछ बोल दो, मम्मी तुम तुम्हारा वो तो बोल नहीं रही है, क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोल दो, क्या बोलना चाहते हो, कुछ नहीं बोलोगे, ये इसके वजह से हम लोगों को और ज़्यादा डर नहीं लगता है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि देखिए भले ही कुत्ता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि वफादार होते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो लेकिन इसके वजह से हम लोगों को डर नहीं लगता है दोस्तों। जब भी ये सैड होती हैं तो यहीं पे आती हैं माता रानी के दरबार पे, यहीं पे जो भी कहना रहता है अपने माता रानी से ही कहती हैं, इनको अपने माता रानी पे बड़ा विश्वास रहता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दोस्तों देख रहे हैं हमारे नाम पर मछली खा रहे हैं महादेव जी हमारे, बोलिए कैमरा पीछे आप ही है, नहीं दोस्तों वो लोग मछली मार रहे थे, बोले भाभी के लिए मछली लेते जाइए, तो ये महादेव जी जो हमारे है ना, कह रहे हैं हाँ दीजिए दीजिए, ये नहीं बोला कि भाभी मछली नहीं खाती है, क्यों नहीं बोले हैं? अरे ताकि इसलिए बोले बोले हैं कि हमारी धर्म पत्नी जी हैं जो मछली बनाएंगी और हम खूब प्यार से खाएंगे, है ना, तो आज हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइए और खाइए, नहीं आपका मन बढ़ गया है। अरे नहीं बहुत गंदे हुए, फ्री का सामान मिले छोड़ना चाहिए, फ्री का सामान रहे तो कुछ खा लो, का है रोज खा लो। देखिए दोस्तों रात हो गया यहाँ पर और यहाँ पे अभी तक ये मछली धुल रही है और सरफ से मछली धो रही है, देखिए दोस्तों महाराज कोई सरफेस मछली धोला ये तो सरफे खान थोड़ा सा लगल लल है, का लगल लल है, गाज नहीं बिगेला मछरिया, मछरी गाज फेंक दिया, मैं सिखा रही हूं सरफ मार के मछली धुल रही है बक्का। तो दोस्तों यहां देखिए पहलवानी हो रहा है, यहां पर देख लीजिए एक पटारा नहीं फरा था, जाए दादा तर मुर्गा या तर मछरी खाइल सब डाड़ बा, अच्छा फरा तो गइल बुझाता एक चली निकोड़ गइल बा, फाड़ देला ना। तो देखिए दोस्तों लकड़ी चीर रहे महादेव जी हमारे,
बहुत दिनों के बाद मेहनत वाला काम कर रहे हैं। जियो सर जियो, आज आपको 100 तोपों का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों चूल पे पड़ गया है खाने के लिए, क्या फ्राई कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं पड़ गए हैं, फ्राई कर रहे हैं। पड़ाका अरे छिटिक रहा बहुत तेज यार, कहे इस तरह से हरदम नहीं छिटिकता है। यहाँ पे देखिए फ्राई हो रहा है और बहुत तेज तड़का दे रहा है। फ्राई हो गया दोस्तों मछली, और बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा प्यारा फ्राई हुआ है। और अब तो पेट में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं जी? जी आप कहे इसे गुस्से में है? हम कहा गुस्सा बनी यार, हम गुस्सा ना रहे तब कहला गुस्सा बजट ना बना नहीं रही है, उससे ज्यादा गुस्सा आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग मछली फ्राई करते होंगे तेल में, लेकिन हमारे यहाँ बगैर तेल के फ्राई होता, थोड़ा सा तेल एक चम्मच पड़ता है और पानी पड़ता है और बहुत मस्त फ्राई होता है, देख सकते हैं। तेल तो हम कम तेल यूज करते हैं, क्योंकि कम तेल अच्छा करेंगे रहता तो चर्बी ज्यादा होता है और जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। हमारे पति जी बूढ़े हो जाएंगे तब का करेंगे भाई, तब हमको भी गाना गाना पड़ेगा, मैं का करू रहा, मुझको बुढ़ा मिल गया, आया बुढ़ा मिल गया। दोस्तों मछली का बूढ़ा बहुत प्यारा लगता है मुझे, और जब ये खाती थी दोस्तों, मैं भी जब खाती थी तो मैं बासी रख के सुबह खाती थी, सुबह खाने में अच्छा लगता था, अब तो नहीं खाती हूँ। बार बार लोग कमेंट करते हैं कि भाभी ये सब क्यों दिखाती है, तो जो जिसको पसंद है वही लोग देखे, और जितने लोग रेसिपी का चैनल बनाए वो लोग बना के डालते हैं, आप लोग देखते हैं इतना प्यार से, कहियो कहियो मिलियन जाता है वीडियो। भात लाल वाली के कर पसंद लगी, इनको शुगर है दोस्तों, मम्मी को मेरे शुगर है, इसीलिए भुजिया का भात बनवा के लाई है और खाने के लिए मम्मी हमारी। तो यहाँ पे देखिए भुजिया का भात घर से बनवा के लाई है, और मछली यहाँ पे तैयार है, और छोटी वाली नहीं मिली है मम्मी, छोटी मछली नहीं मिली है, नामों मम्मी बोली थी बनवाने के लिए, इसीलिए करेला गए थे, तो छोटी मछली नहीं मिली है तो बड़ी मछली बन रही है दोस्तों। दोस्तों हमारे घर में बहुत कम लोग मछली खाते हैं, केवल मुझे पसंद है, इसके लिए सबको कष्ट होता है। ये हमारी बेटी मछली मैगी बना के खा रही है, देख लीजिए दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बेटी हमारी मैगी बना के खा रही है, मछली वहाँ पे बन रहा है। छन ए छन छन, तुम मेरा साथ दोगी ना मछली खाने में? नहीं मैं नहीं खाऊं। का खाओगी? काहे गुस्सा आ गई हो? रोज 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 मछली, रोज रोज मछली। रोज कहा यार, दो तीन दिन जब से आई वाला तब से मछली ये बोलता। अरे बेटा तो मछली को दिन दाल चावल नहीं बनेगा, इसका फेवरेट चीज है दाल चावल, इसलिए हमसे गुस्सा है थोड़ा सा। खाओगी दाल चावल बनवा दे, कॉल बनवा देंगे। ए मैगी बनाना तो इसको भी दे देना जी, ठीक है? एक पैकेट दूसरा वाला में से डाल दो। अरे पापा मसाला हम दिखाई तुझे, वो बनर बनाल को खाली गरम पानी डालेंगे, भाई देखो खाली गरम पानी डालेंगे, सिर्फ गरम पानी डाल देखिए, देखिए रोटी रोटी। दोस्तों यहाँ देखिए रिया मेरी रोटी बना रही है, चार कौन का कौन रोटी है बेटा? रुचि रोटी, रुचि रोटी। यहाँ देखिए दोस्तों रिया है तो इसका नाम रोटी है, तो नाम मिला रुचि रोटी। हाँ तो डाल तवा पे डाल, वो तो गई तवा पे डाल। दोस्तों देखिए चार कौन का रोटी बना दी है, तेल। अच्छा तो देखिए दोस्तों यहाँ मम्मी बैठ गई खाने के लिए, पापा खा रहे हैं, या महादेव जी तोड़ रहे हैं। कैसा बनाया जी? जैसा भी बना अच्छा बनाया, मतबल बहुत मस्त है। ताखिया मुन के काहे बोलता रहा, खोल के बोला खिया। आ? मम्मी कैसा बना है? बहुत सही सही बात। आओ देखिए दोस्तों मैगी खा रही है, तू क्या खाई है रे? मैगी रोटी। और यहाँ दोस्तों देखिए रोटी उलाट भी दी, हाथ से उलाटी हो? हाथ से उलाटी हो? अच्छा तो हम रोकले बानी, देखा था नहीं कैसे। देखिए दोस्तों क्या कर रही है, अभी चाकू से पलटने वाली थी, तब तक दे सोच। अबे उल्टा करोगे पहले, उल्टा कर, उल्टा करोगे जल्दी, वैसे ही रोटी है कच्चे रोटी थे लस्सी। हाँ तो हाथे से ऐसी ऐसी दबा, ऐसी ऐसी दबा दबा, ऐसी 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 दबा दबा के पकावल जला, हाथे से दबा के, हाथे से मतलब घुमा घुमा के रोटी सेक। हाँ नहीं बाजी रुक जाए, अभी पीछे का भैल नहीं था, पीछे का घुमा देखी। हाँ अभी एक के साइड भैल भाई, उधर घुमा। हाँ उधर वो वाला साइड इधर कर,
मम्मा मम्मा हाँ मम्मा याद आती है जल्दी देखू लाटू देखी कैसन भइल बा उलाट रे पगली अच्छा कुइया से उलाट आती है अबे उलाट ना उसको देखे फूल रहा है हाँ उलाटो उलाटो उसको उलाट दो पलटी मारो उसको हाथ से मारना पलटी हाँ हाथ से मार अब रोटी रख के फुला उसको रख रोटी हाँ अब हाथ से घुमा घुमा के फुला ए हाँ फुलता फुलता फुला 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 ओहो ये देखिए दोस्तों रोटी फूल गई महादेव जी रोटी फूल गई बहुत देखिए अब उसका बनाया हुआ रोटी कौन खाएगा है दे दो पापा को दो रोटी पापा को दो हाथ में लाओ हाथ में लाओ यहाँ देखिए दोस्तों कितना सुंदर रोटी बना दी है सिया रिया हमारी और यहाँ देखिए पापा को दे रही है अपने चलिए खाइए तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक शेयर एक कमेंट करिएगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि।